इसलिए वेमेंस डे मनाया जा रहा है ताकि बार बार मैसेज दिया जाए कि हर समाज में जब तक पुरुष और नारी मिलकर एक काबिल नहीं बनेंगे, समाज कमजोर रहेगा। समाज को अगर अगर हमने अपने देश को आत्मनिर्भर करना है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी की बात बात, अगर हमने अपने समाज को आत्मनिर्भर करना है, हमको अपनी बेटियों और बेटों को, लड़कियों और लड़कों को बराबर शिक्षित करना है, बराबर बहादुर बनाना है। जब तक मैंने खूब खेला नहीं, एक्सरसाइज नहीं किया, पढ़ाई टेनिस नहीं खेली, कंपटीशन में मैं नहीं बराबर बन पाई। और अगर मैं टेनिस स्पोर्ट्स ना खेलती छोटी उम्र में, मैं चैंपियन ना बनती, मैं आईपीएस में नहीं जा सकती, मैं बराबरी में ट्रेनिंग कर ही नहीं सकती। और मैं क्यों खेल पाई? क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे खेलने पर डाला। पहली बात तो मुझे युवा को ये कहना है, लड़का हो या लड़की, प्लीज खेलो, स्पोर्ट्स में भाग दो। अगर स्पोर्ट्स में भाग नहीं दोगे, आपकी शिक्षा अधूरी। अब तुम पूछोगे, सो विमेंस डे इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि हम ये मैसेज देना चाहते हैं समाज को कि लड़की और लड़का में अंतर करना बंद करो। क्योंकि अब हमने समाज को, अगर अपने भारतवर्ष को आत्मनिर्भर करना है, तो हमको दोनों शिक्षित, दोनों जिम्मेवार, दोनों बहादुर चाहिए और दोनों स्किल्ड चाहिए। क्योंकि दोनों ने अपनी जिंदगी को अपने चालक करना है, अपने चालक करना है। दोनों ने मिलके अपने माँ बाप का भी ध्यान रखना है बड़े होके, दोनों ने मिलके अपने माँ बाप की परवरिश करनी है, उनकी तंदुरुस्ती का ध्यान रखना है। आज आपके माँ बाप आपको पालन पोषण कर रहे हैं, बड़े होके आपने माँ बाप की देखरेख करनी है।